गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, टुडे विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 4, ब्लड ग्रुप एंड इम्यूनिटी। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड ब्लड ग्रुप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, हेरिडिटी एंड इम्यूनिटी। Today's our topic is organ donation and body donation. Students, organ donation और body donation के बारे में आपने सुना होगा कि अगर किसी person को जो है body का कोई organ जो है वो fail हो जाता है या damage हो जाता है, तो उस condition के अंदर उस ऑर्गन को रिप्लेस करने के लिए कोई अदर पर्सन का ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो या जो है टिश्यूज़ का भी जो है वो ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ऑर्गन डोनेशन एंड टिश्यू डोनेशन इन्वॉल्व्स द रिमूविंग ऑर्गन। तो ऑर्गन डोनेशन किसको बोल रहे हैं, जिसके अंदर अपन ऑर्गन या फिर टिश्यू जो है उसको रिमूव करते हैं, है ना। इन्वॉल्व रिमूविंग द ऑर्गन एंड टिश्यू फ्रॉम समवन। तो ऑर्गन और टिश्यूज़ को रिमूव करते हैं किसी से हु हैड डाइड, यानी जो मर चुका है उसमें से ऑर्गन या टिश्यू को अपन रिमूव करते हैं, उसको अपन डोनर बोलेंगे। एंड ट्रांसप्लांटिंग दैम इन टू समवन, और उसको फिर ट्रांसप्लांट करना है किसी दूसरे पर्सन के अंदर हु इज इन द वेरियस केस, जिसके अंदर अपन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो कंडीशन अलग अलग हो सकती है कि भाई उसको कब ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए वेरी इल, या फिर वो जो है मरने की कगार पे है किसी ऑर्गन फेलियर की वजह से, इस केस में जो है ये ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इन दिस केस वन ऑफ द लाइफ कैन नॉट बी सेव्ड, तो इस केस के अंदर जो है ऑर्गन डोनेशन के थ्रू केवल अपन एक ही लाइफ को सेव नहीं करते, बट ऑल्सो कैन बी मेड हैप्पी, हम जो है उसको एक ज़िंदगी को खुश भी बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डोनेशन इज़ डन आफ्टर द डेथ ऑफ द डोनर, ज़्यादातर जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो आफ्टर द डेथ होता है। फ्रॉम वन डेड बॉडी नियर अबाउट द 50 नीडेड पर्सन कैन बी हेल्प, यानी एक अगर डेड बॉडी है उससे लगभग 50 लोगों को जो है वो हेल्प हो सकती है। देयरफॉर द ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम अ चाइल्ड टू 90 ईयर ओल्ड एल्डरली पर्सन, एवरी पर्सन कैन डोनेट ऑर्गन और एंटायर बॉडी, यानी एक बच्चे से लगा अगर 90 ईयर ओल्ड अगर पर्सन है तो भी जो है वो ऑर्गन डोनेशन कर सकता है या एंटायर बॉडी जो है डोनेट कर सकता है। अब देखिए इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन की, तो इसके अंदर समझिएगा, ह्यूमन बॉडी इज़ द बेस्ट इन द नेचर, यानी नेचर के अंदर अपन बात करते हैं तो सबसे डेवलप्ड और बेस्ट जो बॉडी है वो ह्यूमन बींग का है, बट इट इज़ नॉट परमानेंट, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। वन इन एनी ऑफ द सिचुएशन, यानी किसी भी हालत में जो है ये जो अपनी बॉडी है वो अमर नहीं रहने वाली है या परमानेंट नहीं है। जैसे कि इंडियन माइथोलॉजी की बात करें अगर, तो इसमें कहा गया है कि बॉडी जो है वो जो है एयर वाटर सॉइल फायर स्काई एंड इनका जो है मिक्सर है, यानी पंच तत्व बोलते हैं इनके मिक्सर है, और फाइनली आफ्टर द डेथ जो है ये सारे मिक्स हो जाते हैं सॉइल के अंदर। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट इज देयर एनी टेक्निक्स बाई विच आवर बॉडी कुड बी कैप्ट इन एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग, तो फिर एक प्रश्न उठता है यहाँ पे कि जब अपना बॉडी जो है वो परमानेंट नहीं है, नश्वर है अपना शरीर, तो कैसे जो है इसको अपन जो है इसका एग्जिस्टेंस बनाए रख सकते हैं, इसको अपन कैसे अपन जो है अमर रख सकते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है ऑर्गन डोनेशन। तो इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट व्हेन एन एनिमल डाइज, जैसे देखिए ये कहा जाता है कि जब एक जानवर कोई मरता है तो उसका जो है 100 जो है यूजेज होते हैं, है ना, इंसानों के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, बट एक ह्यूमन बींग अगर डाई होता है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। देयरफॉर
जो है ये रिक्वायर्ड है दैट द ह्यूमन शुड बी यूज फॉर द अदर लिविंग बींग। तो यानी ह्यूमन बींग भी जो है वो किसी दूसरे लिविंग बींग के लिए यूजफुल होना चाहिए आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के बाद। दिस इज़ द पॉसिबल ओनली वैन वी स्टे लाइव। तो ये कब पॉसिबल है? जब अपन जिंदा रहें इन द अदर ह्यूमन बींग, यानी दूसरे ह्यूमन बींग के अंदर आफ्टर आवर डेथ, अपने डेथ के बाद में, मौत के बाद में। इफ़ आर आइज, किडनीज, लीवर, ETCs एंड अदर ऑर्गन्स प्रोवाइड द हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ सम वन हु रिक्वायर्ड दैम, देन दिस टाइप ऑफ चैरिटीज विल बी कंसिडर एज द चैरिटी ऑफ द प्योरेस्ट नेचर। अगर देखिए आपने शरीर का कोई अंग किसी को डोनेट करने से अगर उस किसी इंसान को की ज़िंदगी में खुशी आती है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है चैरिटी या सबसे बड़ा जो है दान या धर्म होगा। ठीक है, चैरिटी ऑफ द दिस टाइप हैज़ बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट एंड द मोस्ट सेकर्ड फॉर्म ऑफ द चैरिटी इन आर फिलासॉफी। तो इस टाइप का जो दान है वो सबसे बड़ा दान कहलाता है, अंग दान या बॉडी का दान करना। और स्पिरिचुअल गुरुज हैव द ऑल्सो बींग रिगार्डेड ऑर्गन डोनर। तो अपने धार्मिक गुरु संत महात्मा भी जो है इनके बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में, जैसे आपने रोज सुना होगा ऋषि ददिच के बारे में पुराने पौराणिक काल के अंदर, तो उन्होंने अपना पूरा जो शरीर की जो अस्थियां हैं बोन्स हैं उनको जो है समाज की भलाई के लिए जो है वो डोनेट कर दिया था। देखिए अब इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया के अंदर क्या स्थिति है ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन के बारे में। तो इंडिया के अंदर देखिएगा देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डोनेटिंग अराउंड द 2 लाख, यानी जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गन्स डोनेशन की वो है 2 लाख एवरी ईयर किडनी, और वाइल इन द प्रेजेंट टाइम ओनली द 700 to 8000 किडनीज आर अवेलेबल एवरी ईयर। यानी एक्चुअली जो है किडनीज की रिक्वायरमेंट है वो है 2 लाख और अवेलेबिलिटी जो है वो केवल 7000 to 8000 किडनी है एवरी ईयर। इन द सेम वे अराउंड 50,000 पीपल आर इन द नीड ऑफ द हार्ट। ऐसे ही जो है 50,000 लोग जो है वो जो है हार्ट की ज़रूरत होती है ट्रांसप्लांटेशन एवरी ईयर, बट अवेलेबिलिटी जो है ओनली वो है 10 to 15 हार्ट। ठीक है, तो फॉर ट्रांसप्लांटेशन अराउंड द 50,000 लीवर जो है रिक्वायर्ड है इंडिया के अंदर एवरी ईयर, बट 700 पीपल जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, यानी 50,000 में 700 पीपल्स को जो है लीवर जो है वो ट्रांसप्लांट हो पाता है। इन द सेम वे दिस कंडीशन फॉर द ऑल अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट एवरी ईयर अराउंड 5 लाख ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑर्गन्स या अनअवेलेबिलिटी बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अपने ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करिए ऐसे ही जो है बॉडी डोनेशन भी होता है। तो अब बॉडी डोनेशन जो है वो क्यों एसेंशियल है, उसका मेन रीज़न है ऑर्गन कैन बी, एक तो पहला इसका बॉडी डोनेट करने का क्या पर्पज़ है। तो ऑर्गन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेड बॉडी, ताकि जो डेड बॉडी है उसे ऑर्गन ऑब्टेन करके उसको ट्रांसप्लांट किया जा सके इन द पीपल हु नीड देम, जिनको जरूरत है। यूजली ऑर्गन डोनेशन इज डन ऑफ सच एन इंडिविजुअल हु हैज़ रिसीव्ड द ब्रेन डेथ। अब ऑर्गन डोनेशन अपन या फिर किन पर्सन का ऑर्गन्स अपन ले सकते हैं, ऐसे पर्सन जिनका जो डेथ होती है वो ब्रेन डेथ की वजह से होती है, यानी एक्चुअली जो है इनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं। तो इन सच केस ब्रेन हु हैज़ रिसीव्ड द ब्रेन डेथ, तो इन पर्सन के अंदर जो है ब्रेन की वर्किंग स्टॉप हो जाती है बट अदर ऑर्गन जो है वो कंटिन्यू वर्क करते हैं। तो फ्रॉम सच बॉडी हार्ट लीवर एंड किडनी ETC ऑर्गन कैन बी ऑब्टेन। तो इन की जो है बॉडी से ऑर्गन हार्ट किडनी लीवर इनको अपन ऑब्टेन कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अदर पीपल के अंदर। ऑल्दो द फिगर स्टेट दैट ओनली 1% आउट ऑफ द 1000 पीपल, लेकिन ये आंकड़े ये बताते हैं कि 1000 में से केवल एक ही इंसान ऐसा होता है जिसकी डेथ जो है वो ब्रेन डेथ की वजह से होती है। ठीक है, विद इन द 6 to 8 आवर्स ऑफ डेथ
द बॉडी कैन बी यूज फॉर आई डोनेशन। अब देखिएगा कोई इंसान की जो है डेथ के बाद में जो है वो 6 to 8 आवर्स के अंदर जो है उसका आईज को जो है वो डोनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ द मेडिकल साइंस ऑब्टेन ट्रेनिंग बाय द वर्किंग ऑन द डेड बॉडीज एंड बिकम द एक्सीलेंट डॉक्टर। अब जो मेडिकल स्टूडेंट है वो उनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए डेड बॉडी चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर जो है उनको बॉडी का कंपोजिशन के बारे में आइडिया लग सके। ठीक है, फॉर दिस बॉडी डोनेशन इज द सेवरली रिकॉर्ड, इसलिए बॉडी डोनेशन भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द फाइनल यूटिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये ह्यूमन बॉडी का जो है वो एक फाइनल यूटिलिटी हो गया इसके अंदर। डोनर्स ऑफ सच बॉडी गेट फ्रॉम द फैमिली रिलेशनशिप एंड द सोशल रिलीजियस बाउंड्स एंड द वर्क एज द बेसिक पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखिएगा ऐसी जो बॉडीज का जो डोनेशन करते हैं वो या फिर जो ऑर्गन डोनेशन है वो फैमिली रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है, ठीक है, और सोशियो रिलीजियस बॉन्ड्स। इसके अलावा देखिएगा इस ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन करने से अपने समाज के अंदर जो है वो एक घनिष्ठता बढ़ती है, ठीक है, और समाज के अंदर जो है वो मजबूती आती है। दिस इज इश्यू टू कंसर्न दैट ड्यू टू द एंशियंट डॉगमेटिक ट्रेडिशंस द नंबर्स ऑफ ऑर्गन डोनर्स इन इंडिया इंडिया इज द 0.8% पर 10 लाख पीपल। यानी इंडिया के अंदर जो बॉडी डोनेशन की बात करें तो 10 लाख में से 0.8 जो है परसेंट है इसके अंदर, या 0.8 जो है वो पर 10 लाख पीपल पे है, ठीक है, यानी इतने ही जो लोग है बॉडी डोनेशन कर रहे हैं। वाइल द डेवलप कंट्रीज़ की बात करें इसके अंदर तो इसका जो नंबर है 10 to 30 जो है ऊपर 10 लाख है। तो इन सच कंडीशंस इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड द बॉडी डोनेशन एंड हेल्प दोज पीपल हु आर द लीडिंग द एक्सट्रीमली मिजरेबल लाइफ ड्यू टू द लैक ऑफ। तो इस कंडीशन को अपने को समझना होगा, ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत को समझ के जो है अपने को उन लोगों की मदद करनी है जिनको बहुत ज़रूरत है ऑर्गन्स की, ठीक है। फॉर दिस चैरिटेबल वर्क वी शुड कम फॉरवर्ड, तो इस पुण्य काम के लिए अपने को आगे आना चाहिए और समाज के लोगों को भी जो है इसके बारे में जो है जागरूक करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। इट इज़ द सिविली रिक्वायर्ड दैट द वी टेक द असिस्टेंस ऑफ द हर्मेटिस एंड द सेंट्स एंड टीचर्स और इंटेलेक्चुअल एंड अदर्स इरेडिकेशन टू द सुपरस्टिशन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है अपने संत महात्मा टीचर्स, ठीक है, कि समाज के अंदर जो कुछ भ्रांतियाँ है उस भ्रांतियों को मिटा के जो है लोगों को जो है ऑर्गन डोनेशन के प्रति जो है जागरूक करना, इनका फ़ायदा उनको समझाना। इन दिस कॉन्टेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द 13 अगस्त एज द ऑर्गन डोनेशन डे एवरी। तो इस लोगों के अंदर ऑर्गन डोनेशन बॉडी डोनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो है गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया जो है 13 अगस्त को जो है ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट देखिएगा हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, कौन कर सकता है ऑर्गन या बॉडी डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन जो है कोई भी पर्सन एनी रिलीजन एनी कास्ट जेंडर कैन डोनेट द बॉडी इफ़ रिक्वायर्ड, पेरेंट इज़ द एसेंशियल फॉर डोनर बिलो द एज। अगर एज जो है किसी पर्सन का 18 ईयर से कम है ऑर्गन वो बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन करना चाहे तो उसकी पेरेंट का कंसेंट जरूरी है। द डोनर शुड फर्निश हिज और हर कंसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस ड्यूरिंग द हिज लाइफ टाइम। ऑर्गन डोनेश या डोनेट बॉडी डोनेट करने वाला जो पर्सन है उसको ये शपथ देना पड़ता है दो विटनेस की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। इफ बिफोर द डेथ दिस प्रोसेस इज नॉट कम्प्लीटेड, अगर देखिएगा डेथ के पहले अगर ये ऑर्गन डोनेशन के लिए जो परमिशन अगर नहीं देता है कोई पर्सन, तो डेथ के बाद में जो है ये अधिकार जो है उस बॉडी का जो लीगल ऑथराइज्ड होगा,
ठीक है, वो उसका पास में जो है उसको बॉडी को डोनेट करने का अधिकार होता है। ठीक है, इन इंडिया डोनेशन ऑफ ऑर्गन एंड द एंटायर बॉडी इज लीगली, तो इंडिया के अंदर जो है ऑर्गन डोनेशन और एंटायर बॉडी डोनेशन जो है वो लीगली वैलिड है। स्टूडेंट अब इस चैप्टर्स के अपन जो है क्वेश्चंस अब आंसर आपको डिस्कस करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर एमसीक्यूज के आंसर तो आपको जो है दे रखे हैं वैसे आपको बुक के अंदर। ठीक है, इसके आंसर एमसीक्यूज आप जो है वो टिक लगा दीजिएगा और आप जो है बुक के अंदर टिक कर दीजिए इनको। अब आपको जो वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस जो है इनके आंसर्स मैं आपको राइट डाउन करके सेंड करूँगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है वेरी शॉर्ट के करने हैं सारे। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स जो है 33, 34, 35, 36 तक के आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगा। तो आपको मैं 16 से 36 तक के आंसर रिटर्न करके सेंड कर लूँगा। अब मैं 37 से आपको टिक करवा रहा हूँ, तो 37 का आंसर आपने पहले कर लिया है टिक, 38 का कर लिया है, 39 का हो चुका है, 40 देखिएगा इसका आंसर जो है, आंसर है इसका पेज नंबर 54 पे आ जाइएगा। तो 54 के प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एरा, तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन, तो ये 6 पॉइंट्स आपको इसके अंदर राइट डाउन करना है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये आपको आंसर है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 41 जो है एक्सप्लेन द नीड ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो नीड ऑफ ऑर्गन डोनेशन के अंदर देखिएगा स्टूडेंट पेज नंबर 56 पे, ये रहा यहाँ पे, ये पैरा पूरा अपन राइट डाउन करेंगे इसके अंदर क्यों नीड है ऑर्गन डोनेशन की। क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर 42 एक्सप्लेन द जीन टाइप्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप। तो ये अपने पहले नहीं करा तो अभी कर लेंगे। तो इसका आंसर है आपका पेज नंबर 54 पे, ये देखिएगा स्टूडेंट जीनो टाइप ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप। तो ये जीनो टाइप है, ये टेबल अपन इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये 42 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर लॉन्ग का अंदर देखिएगा 43 अपने कर लिया है, 44 हो गया है, 45 भी हो गया है। ठीक है, 46 का आंसर अपन देखिएगा व्हाट इज द ऑर्गन डोनेशन एंड एक्सपेंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ऑर्गन डोनेशन और इसका इम्पोर्टेंस देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 55 पे, पहला ऑर्गन डोनेशन, व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन, तो ये ऑर्गन डोनेशन का जो है डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद नीडेड जो है इसके अंदर ये कंटिन्यू लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन के अंदर यहाँ से लगाकर यहाँ, और फिर इसके अंदर नेक्स्ट पैरा के अंदर अपन जो है यहाँ से इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द ह्यूमन शुड बी, यहाँ से लगाकर प्योरेस्ट नेचर जो है यहाँ तक अपन जो है इसका आंसर राइट डाउन करना है क्वेश्चन नंबर 46 का लॉन्ग का। तो इस तरह से जो है आपके लिए होमवर्क हो गया इसका, एमसीक्यूज आपको करने हैं सारे। ठीक है, इसके आंसर्स आपको दे रखे हैं पीछे और वेरी शॉर्ट आंसर्स पूरे करने हैं आपको। ठीक है, इसके आंसर मैं सेंड कर रहा हूँ, 36 तक का आंसर सेंड कर दूंगा, और यहाँ से आपका जो है जो पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो 41, 42, 46, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।